महापुरुष, ऐसे दानवीर, ऐसे क्रमवीर, ऐसे समाजसेवी भाई राजवीर भाटिया, जो कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पहुंच करके और 75 फुट ऊंचा ये हमारा राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग है। राहुल जी, भाई साहब ने भाटिया जी ने इतना अच्छा काम चलाया कि हम बहुत परेशान होती थी, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, इतनी परेशान होती थी, बच्चे लड़के लोग भी मतलब हमारे को अफसोस वगैरह ये बोलते थे, हमने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे। हमारे पूर्व सैनिक पहुंचे हैं, समस्त गौ सेवा समिति के कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से समस्त नौजवासियों की गणना करेंगे, जो आज 75 फुट ऊंचा देश की आजादी को 61 फुट से लेकर के अब 75 फुट कर दिया, जिसमें जाने गाने वाले अधिनायक जय है, जाने गाने वाले महसूस करते हैं कि आज के दिन ये आज का दिन जोड़ के निवेदन सभी साथियों से जी, क्या बूथ साइड चल जाओ, उसको खड़ा होना है वो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग रहो, मेरे सहयोगी अभिनव दैया के साथ। और अभी फिलहाल मौजूद हैं सिवानी के एक पास के गांव नड़ोई के अंदर, और नड़ोई गांव के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा काफ़ी मात्रा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 26 जनवरी का जो त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में सामने आप देख रहे होंगे कि बहुत ऊँचा लंबा लगभग 75 फुट ऊँचा तिरंगा जो है वो इस गाँव के अंदर लहरा दिया गया है। मैं सलाम करता हूँ इन गाँव वासियों को जिनके अंदर देश प्रेम की भावना जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। बहुत कम अक्सर देखने को मिलती है कि जिस गांव के अंदर तिरंगा फहराया जाता है, इतना लंबा 75 फुट ऊंचा लंबा जो है तिरंगा फहराया गया है। तो जो इस गांव के युवा जागृति क्लब है उन सदस्यों को मैं बहुत सल्यूट करता हूं कि वो गांव की ऐसी महिमा को बनाए रखते हैं, और बहुत की माताएं बहनें यहां पे बैठी हुई हैं, बहुत सारे इधर उधर स्टेज देख रहे होंगे आप, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर झलकों में भी देखा होगा आपने, कुछ बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, और लोहारों के भामाशाह कह सकते हैं हम, लोहारों के सबसे बड़े समाज सेवी कह सकते हैं, जो शायद किसी MLA MP से कम नहीं है, ये लोहारों के लोगों का कहना है जिनको आज मुख्य अतिथि के रूप में गांव नड़ोई के अंदर बुलाया गया था, और जिनके कर कमलों द्वारा यहां पे जो पार्क बनाया गया था उसका शिलान्यास किया गया है, और 75 फुट ऊंचे तिरंगे झंडे को सलामी दी गई है, वो चेहरा राजवीर सिंह फाटिया, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर समाज सेवा का नाम आएगा, अगर किसी दानवीर का नाम आएगा, तो राजवीर फाटिया का नाम ना आए ये हो नहीं सकता है, जिनके चर्चे पूरे लोहारों के चर्चे जो हैं वो पूरे देश भर के अंदर बन रहे हैं। मैं कुछ लोगों की झलकियां मैं आपको लोगों को दिखा रहा था, इधर से माताएं बहनें बैठी हुई, उधर से मंच जो है मंच से अनाउंसमेंट हो रही है, और इधर से यहाँ जो कुर्सियों के ऊपर बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए हैं जो आज राजवीर सिंह फाटिया ने फहराया है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के युवा जागृति जो क्लब है उसके लोगों से बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर इस गांव के अंदर ऐसी प्रेरणा मिली है, आइए बातचीत करें। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि अपने गाँव के अंदर ऐसा 75 फुट लंबा तिरंगा फहराने के बाद ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहिए। तब इतना मान सम्मान के साथ बोला कि मैं काम तो कर दो बोलो और वेलकम पहले लड़की जाया कर दी खराब माटी हो रही थी, कोई रोडवेज कौन थी,
आधी बार तो जल्दी है आधी बार रह जाए। मंत्री आए तो मांग करी थी बस की, ये बोले गांव पड़े है मारते है तीन कोस तो आठ बस आवे बारगा में एक बने आवे दलाल के नाम मांगी बस ना एक बस चला दियो है वा न बोले मैं तो मांग कर दियो है कौन लगी और जटके साथ ये कर रहे हैं ना किसी मुख्यमंत्री को बुलाया क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में। भाई मनोज जांगड़ा सबसे बेस्ट काम कर रहा है नलोई गांव में, सबसे अच्छा युवा लड़का है और आने वाले दिनों में भविष्य इसका गांव की तरफ से। और बाकी फर्टिया साहब का बहुत सहयोग है, आने वाले 22 एमएलए हो सकते हैं लेकिन उनके टक्कर में जेपी दलाल है, काफी करीबी मामला होगा आगे आने वाले टाइम में। कार्यों को कैसे देखते हैं कार्य उसके हाथ में कुछ भी नहीं है फिर भी इतना काम कर रहे हैं वो जो समाज के लिए इतना सहयोग कर रहा है, लड़कियों के लिए बस की सेवा दे रहा है, लड़कियों के लिए कन्यादान, आपके गांव से बस की सुविधा है? हाँ बस की सुविधा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पहले की क्या सुविधा थी आपकी? पहले कुछ सुविधा नहीं थी, बीजेपी सरकार में आने के बाद में जेपी दलाल के काम हुआ है लेकिन राजवीर ने भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। राजवीर फुटिया गांव में पहले भी आया, सहयोग किया, लड़कियों के लिए बस लगाई है और कन्यादान राशि है, जिस लड़की के माँ बाप नहीं उसको भी 1,00,000 राशि दे रहा है। खेल ग्राउंड के लिए भी हरदम 24 घंटे कोई भी हो, लेवल कराने की बात हो, चाहे कोई राशि देनी हो, कोई खेल प्रोग्राम करवाना हो, फल्टिया साहब बहुत है, हर चीज में आगे तत्पर रहता है। ठीक भाई, बुढ़ा ही होया करे आईसी होया करे। और गांव में आज इसो प्रोग्राम देखे होता हूं जी भाई, खूब सुथरो, बहुत सुथरो, आज तक देखियो हैं किसन को आए चले आज तक किसन को देखियो? अरे अच्छो यो मानस बलो फल्टिया तुम अच्छा काम करे कहता हूं भाई, अच्छा करे न्याव की करे बताइयो। अरे पहली देखियो ईव देखियो, अरे अच्छा काम आनंद अच्छो बताए जा ना बेटा, खूब करिया से मारो वर्गा कर कौन सके। अच्छा नो बताओ तारागा मैंने कहे हैं लड़कियां खातर पहले जान में कॉलेज जान में बड़ी समस्या होया करती, स्कूल कॉलेज में दी भाई और कहीं बस लगा दी। हां भाई लगा की तारागा में बड़ुआ तेरे सुहानी नहीं लगी मारो तो कौन लगी फिर उन तक, मतलब सुविधा तो हुई है ना? सुविधा तो हुई हुई है भाई, कहीं भाई को होगी भाई मारे हुई ना भाई, कोई करनी आया है कोई करनी आया है तो खूब करियो से ये मान फल्टिया बढ़िया करे है। बताइए का दो काम है? काम है किना दाम जेठ हो यहाँ ब्याह में 5,100 दे दे, 5,000 दे दे, वो तो मान दे के दे, अगर दो अपना तो 1,00,000 भी दे दे, माँ बाप ना हो तो 1,00,000 भी दे दे, लाख दे दे, माँ बाप तो दिया कौन सा फरटी पर वो मानस के होना मेरा नहीं होगा, बहुत ठोक जाए सारा काम। तो ताऊ के अंदर जोश देखा आपने, उधर से कुछ मित्र मंडली बैठी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहे। आपके गांव के अंदर जैसा प्रोग्राम हुआ है, फूलों के साथ में स्वागत किया गया, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जी नड़ोई गांव ने, बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया नड़ोई गांव ने, इससे भी अच्छा और करने की कोशिश करेंगे आगे। राजवीर फटिया कार्यों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कार्य कर रहे राजवीर फटिया बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई, अच्छा नेता है, बढ़िया है, ये तो बिना बगैर बने ही काम कर रहा है। हमारे गांव में तो एक बच्चों के खेलने का मैदान बना दिया उस साइड में, और अभी ये तिरंगा लगा दिया, गौशाला में भी बोल रहा है अभी बिजाएगा गौशाला में, अच्छा सहयोग है। और जिस प्रकार से आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना लहराता हुआ तिरंगा बड़ी शान बना हुआ इस गांव की, और दांत देने होंगे इस गांव के युवाओं की जिन्होंने एक मंच के ऊपर अपने आप को इकट्ठा किया और युवाओं ने इकट्ठा होकर के बताया। यहां पे एक व्यक्ति और मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मुझे हो तो आप जैसे तो सही है समाज की विचारधारा है। हमारे क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? काफी अच्छा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मेरा गांव का सौभाग्य है आज का दिन, जो 75 फुट ऊंचा जो नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय झंडा जो गांव को समर्पित किया भाई राजवीर फटिया जो समाज सेवी हैं बहुत ही अच्छे हैं, और हमारी जो गांव की युवा टीम है युवा जागृति क्लब और गांव के युवा साथी जिस हर गांव का बड़ा और छोटा सबका सहयोग रहा इसको लगवाने में इसको देख रेख करने में। बहुत कम देखने को मिलता है जिस गांव के युवा आगे आते हैं और ऐसी प्रतिमाएं आपके गांव के अंदर, हमने प्रतिमा देखी जो स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी रहे हैं उनकी प्रतिमाएं भी आपके गांव के अंदर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा गांव का ये बहुत ही जुनून है कि जितने भी शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के अपने देश को आज़ाद करवाया, हमको खुली हवा में सांस लेने का जो मौका दिया और आज हम जी रहे हैं, इनकी बदौलत जी रहे हैं, इनकी प्रतिमा लगा के इनको
जब भी इनका जो दिवस आता है शहीदी दिवस वो मनाते हैं, समय समय पर इनको मूर्तियों को देख रेख करते हैं, साफ करते हैं। हमारे युवा क्लब और जो हमारे युवा साथी हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और वो गांव के गौरवशाली जो इतिहास है उनका नाम उन बच्चों का उसमें दर्ज हो गया। 1,00,000 रुपया दे दिया गांव ने, 51,000 रुपया युवा क्लब ने दे दिया। बहुत बढ़िया काम करा, 75 फुट का झंडा लहरा दिया, बहुत बढ़िया काम करा भाई राजवीर फटीटिए ने, उसका धन्यवाद बार बार। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ में जो गांव के गणमान्य व्यक्ति है या अपने आसपास से गांव से आए हुए हैं। इस गांव के अंदर 75 फुट लंबा ऊंचा तिरंगा फहरा करके जो एक लोहारो हलके के अंदर एक नई सोच जो दी है इस गांव ने कि किसी ना तो MLA को बुलाया है ना किसी MP को बुलाया है, लोहारो हलके अंदर के जिसके चर्चे हैं समाज से भी, कैसे देखते हैं आज के इस प्रोग्राम को? देखो आज का प्रोग्राम है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर है, ये कोई किसी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे देश के सम्मान के लिए है। और इस प्रोग्राम में जो भी हमारे यहाँ पहुँचे हैं सबका हम सम्मान करते हैं। और ये जो मुहिम लगाई हुई है ये हमारे यहाँ के नड़ोई के हमारे युवा साथी मनोज जांगड़ा जी, उन्होंने सभी को बुलाया है और इसमें सहयोग दिया है, ये राजवीर फटिया जी ने दिया है, इनका धन्यवाद करते हैं। जो इन युवा साथियों को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका सहयोग किया, इनका धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? राजवीर फटिया एक समाज सेवी आदमी है, इसने बहुत ही समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किए और इसीलिए इसको यहाँ एक राजनीतिक प्रोग्राम न होते हुए समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। गांव के अंदर बता रहे हैं कि जो जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनका टारगेट है कि हम सभी क्रांतिकारी की यहाँ प्रतिमा स्थापित करेंगे, तो इन युवाओं के जो जोश है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इनके अंदर बहुत बड़ा जोश है और इनका जो इनके देखने पर और जो साथ में लगते गाँव हैं उनमें भी इनका संदेश आता है। और इनको राजवीर फटिया जी ने बहुत ही ढंग से सराहना की है और अच्छे कामों के लिए प्रेरणा की है। राजवीर फटिया के कार्यों को किस तरीके से देखते हैं आप, जो कार्य कर रहे हैं लड़कियों के लिए बात करें गांवों के लिए बात? ये जो हर समाज में सेवा का जो काम होता है चाहे गांवों का हो चाहे खिलाड़ियों का हो या लड़कियों का हो, ये बड़े अच्छे ढंग से और लोगों में इनकी ये लोगों में पसंद हो गए, पहले पसंद हो गए भाई ये जो राजवीर फटिया ये समाज के लिए सबसे बढ़िया काम करता है। एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वाणी में बड़ी ही मधुरता है, हर बात जो कहते हैं वो दिल को छू जाती है। नमस्कार जी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज हमारे गांव नड़ोई के अंदर हमारे बीच में लोहारू क्षेत्र के ऐसे महापुरुष, ऐसे दानवीर, ऐसे क्रमवीर, ऐसे समाज सेवी भाई राजवीर फटिया जो कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पहुँच करके और 75 फुट ऊंचा ये हमारा राष्ट्रीय झंडा नेशनल फ्लैग लहरा है हमारे समाज के लिए, इससे खुशी की और बात और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। और साथियों जैसा कि आपको पता है राजवीर भाई पिछले 3-4 वर्षों से समाज कल्याण के लिए समाज सेवा के लिए अपने कोष से अपने निजी कोष से जनसेवा और समाज सेवा का जो एक ऐसी मिसाल काम की है कि शायद पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा व्यक्ति ऐसा महापुरुष ऐसा दानवीर ऐसा क्रमवीर हमें और कोई नजर नहीं आ रहा है। साथियों ऐसा गाँव वालों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्यों हम राजवीर फटिया को ही यहाँ पे मुख्य अतिथि बुलाएं 75 फुट लंबा? राजवीर फटिया के समाज हित के कार्यों को देखते हुए उनकी जनसेवा को देखते हुए गाँव नड़ोई ही नहीं बल्कि लोहारू क्षेत्र के हर गांव से हर बच्चे से हर माँ बाप से और खिलाड़ी से बहन बेटी से आवाज़ आ रही है कि भाई राजवीर फटिया आज हमारे लिए हमारे समाज के लिए सर्वोच्च है, एक देवता के रूप में आए फटिया जी। आप तो मेरे साथ कई दफ़ा मिल चुके हैं, बाकी उसके लिए तो जो भी कहें तो बहुत ही कम है, फूल तो बहुत देखे लेकिन भाई फटिया जैसा फूल नहीं देखा। लड़कियों के बारे में सोच रहा है, लड़कियों के विषय में मैं खुद बस का ड्राइवर हूँ उनके का, फटिया साहब की बस का ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हो? हाँ मैं ड्राइवर फटिया साहब की मैं भैंस चलता हूँ सिनेमा से। हमारी बस में बैठती है अंकल जी, कैसा? बड़ी खुशी से बहुत बोले मेरे को ताऊ जी, अंकल जी कहते हैं कि ताऊ जी भाई साहब ने फटिया जी ने इतना अच्छा काम चलाया कि हम बहुत परेशान होती थी, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था
इतनी परेशान होती थी, बच्चे लड़के लोग भी मतलब हमारे को अफसोस वगैरह ये बोलते थे। हमने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे पास। कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जिनका आपने प्रोग्राम भी झलकियों के अंदर देखा था, ऐसा एनडी मारा हरियाणा ऐसे किया था ना आपने, या फिर एक आप लोगों ने किया था, कौन सा था जिसके ऊपर डांस किया था, रंगीलो मारो डोलो, जो हरियाणा की संस्कृति को ऊंचे तक लेके जाता है, उन लड़कियों से बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? गुड़िया, क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा इसी गाँव से। आज के इस प्रोग्राम को देख करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे गाँव में पहली बार 75 फुट ऊंचा झंडा लगा, इसलिए मैं बहुत खुशी हुई। आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे हैं आपके गांव पर? राजवीर फटिया जी। राजवीर फटिया, आप समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? उन्होंने हमारे गांव के लिए बसें लगवाई हैं, कन्यादान, लड़कियों का कन्यादान करते हैं, हमारे गांव में स्टेडियम बनवाने के लिए कहा है। बढ़िया, क्या नाम है? कंचन। कंचन, प्रोग्राम क्या है? अभी सम्मान पाकर के कैसा लगा आपको, जो इनाम आपको दिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th। 8th क्लास में पढ़ते हैं। गांव के अंदर बसें लगवा रखी हैं आपके गांव के अंदर? हाँ। जो कॉलेज में जाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, बढ़िया, क्या नाम आपका? कोमल। कोमल, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर 75 फुट लंबा लहराता हुआ जो दूसरे गांव को भी दिख रहा है, कैसे महसूस होता है आपके गांव के अंदर? बहुत अच्छा। कैसा क्या महसूस हो रहा होगा? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? अच्छा है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को कैसे बताना चाहेंगे जो लड़कियों के लिए कार्य कर रहे हैं? कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? हमारे लिए बसें लगवाई हैं, हमारे लिए स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, और कन्यादान भी देते हैं नाथ लड़कियों को। अच्छा लगता है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं श्री राजवीर सिंह फ्रंटिया। हम इनको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे गांव में आए, हमारे गांव में 75 फुट ऊंचा जो झंडा लहराया गया है, ये बहुत अच्छा हम फील करते हैं इसके लिए। जैसा हमने लड़कियों से बातचीत की, इनका प्रोग्राम आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा जब पहली बार गाँव के अंदर तिरंगा फहराया गया और वो भी 75 फुट लंबा ऊंचा, तो सम्मान पा करके काफ़ी अच्छा लगा। अभी चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इसे जनसैलाब को देखने के। प्रकार से मैंने लोगों से बातचीत की थी, यहाँ पे लड़कियों से भी बातचीत की, काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, और स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको 75 फुट लंबा लहराता हुआ तिरंगा भी फहराया था। यहाँ पे हमारे साथ युवा जागृति क्लब की टीम भी खड़ी हुई है, और दो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दोनों के अंदर बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अलग अलग कौन है, पहचाने कौन, दोनों हमशक्ल लग रहे हैं। सबसे पहले हम युवा जागृति क्लब के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ऐसी सोच वो कहाँ से लेके आए जो गांव के अंदर क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं जो है वो स्थापित करने का अपने लक्ष्य जो है वो ले रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जिस प्रकार से हमने गांव में शुरुआत की है, ये पहला ऐसा गांव है गांव के अंदर ये इस प्रकार का तिरंगा ध्वज हमने लगाया, और भाई राजवीर जी ने आज इसका उद्घाटन किया, इनका धन्यवाद भी करते हैं। आज से वर्ष 2014 में हमने जिस समय से क्लब की स्थापना की, उस समय से हमने देशभक्ति के प्रति लोगों में अलग जगाने के लिए काम शुरू किया था, और लगातार हमने शहीदों की प्रतिमाएं लगवाने का कार्य किया। 11 प्रतिमाएं लगवाने का संकल्प है, जिसमें 5 प्रतिमाएं हमें लगवा चुके हैं। हर वर्ष एक प्रतिमा गांव के लोगों के अलग अलग सहयोग से हमने लगवाई है, जिसकी बदौलत आज गांव के अंदर सभी गांव के भाईचारा समाज के अंदर जाति के ऊपर उठ करके सभी ने जितना सहयोग हमारा किया है, जिसके लिए हम आज इस गांव के काबिल हुए हैं। और शिवानी इलाके के 30-40 जो गांव हैं उनमें सबसे पहला ऐसा गांव है जिस गांव में इतना ऊंचा झंडा हमारा है। इसके अलावा अगर हम प्रतिमाओं की बात करें, तो सबसे पहले जो प्रतिमाएँ अगर किसी भी शहीद की लगवाने का कार्य इस क्षेत्र में हमने किया, तो वो नड़ोई गाँव के अंदर शुरुआत हुई, जिसके लिए हम सबने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसकी बदौलत जिन्होंने हमें युवाओं खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए, जिन्होंने खेल के मैदान को समतल करवाने का इन्होंने हमारे एक निवेदन पे हमारा पूरा सहयोग किया, इस तिरंगे के लिए इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, और आगे भी इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जितना मेरे से बन पाएगा मैं पूरा का पूरा सहयोग इन गाँव के लोगों के लिए करूँगा। तो मैं दिल की तरह गहराइयों से भाई साहब का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के साथियों का भी जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में पहुँच कर चांद चांद लगाने का काम किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद जी। आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जिस प्रकार से देश के अंदर सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ पे जब हम देखते हैं टीवियों के अंदर, जब हम लोग देखते हैं कि देश को जब राष्ट्रपति जी सलामी दे रहे होते हैं, आज आपके गांव के अंदर आप भी मौजूद हैं और चेयरमैन साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, और नलोई गांव ने एक 75 फुट लंबा जो तिरंगा फहरा करके पूरे लोहारू हल्के की जो गूंज है वो चंडीगढ़ में जा चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, लोहारू हल्के में जो गूंज ऊँची करी है वो राजवीर फरंटिया ने की है, और इन इनकी इनने थोड़ा थोड़ा हमें सिखाया, उस
और हमने इसकी मदद के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आर्थिक और शारीरिक मानसिक हम तेरी हर जगह सहायता करेंगे जहाँ भी जाना पड़ेगा। जी चेयरमैन साहब, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस लड़के ने सोचा था अपनी उम्र छोटी सी उम्र के अंदर कि मैं इस गांव के अंदर जो क्रांतिकारी रहे हैं हमारे देश के उनकी प्रतिमा लगाऊंगा और एक दिन एक ऐसा दिन ऐसा आएगा नड़ोई गांव से एक पूरा संदेश जाएगा और आज 75 फुट लंबा तिरंगा जो है वो लहराता हुआ पूरे लोहारू हलकों को दिख रहा है कि नड़ोई गांव से एक नई गूंज उठ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और आज जब नड़ोई गांव में हमारा हल्का लोहारू में जो ये लास्ट छोर पर पड़ता है नड़ोई गांव और भाई मनोज और युवा जागृति मंच नड़ोई जिन्होंने इतना बड़ा काम इन्होंने उठाया, 11-11 मूर्तियां इस गांव में लगी हैं हमारे शहीदों की उनके सम्मान में, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जागृति मंच है और जिसकी देखरेख में भाई मनोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आसपास के गाँव में भी जैसे इनका बड़ुआ गाँव में और भी कई गाँव में इससे प्रेरित होकर के और जो नौजवान साथियों ने इस तरह की जो भावना पैदा की है तो इसके लिए पूरे जागृति मंच का भाई मनोज का और जितने भी मैं कहता हूं कि हल्का लोहारू में नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इस तरह की भावना आज हल्का लोहारू के नड़ोई गांव से शुरुआत होकर के और ये गांव-गांव गली-गली में फैले, यही मेरी भगवान से दुआ और प्रार्थना है। आने वाले दिनों में शहीदों के प्रति इतना मान सम्मान जहाँ बढ़ता है वहाँ पर समाज का भी भले काम से अगर कोई बुराई का काम भी होता है तो हमारे नौजवान साथियों का उस टाइम आज़ादी के टाइम भी हजारों नौजवान साथियों ने शहादत दे करके जिस तरह से इस मुकाम को हासिल किया था, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर समाज में कोई बुराई हुई तो ये नौजवान साथी अपने कंधे पर लेकर के उस बुराई को ख़त्म करने का काम करेंगे और इसी तरह से नड़ोई गांव से शिक्षा लेकर के हर गांव में 75 फुट नहीं 100-100 फुट के झंडे हमारे गाड़े जाएंगे उनके सम्मान में, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि मैं समझता हूं कि उनके प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद, क्या कहना चाहेंगे? जैसे शब्दों में बता दिया है, आप लास्ट में धन्यवाद करना चाहेंगे? शुरुआत तो हमने की थी लेकिन अभी तो सभी ने बता, बिल्कुल सही कहा, शुरुआत जरूरी होती है किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए, शुरुआत तो जरूरी होती है। आप धन्यवाद के पात्र हैं जो इन बच्चों का साथ दिया आपने। बच्चों का साथ दिया, बच्चों ने हमारे को थोड़े बहुत वो इंडिकेट किया कि ऐसे करना है भैया, जैसे हम देश सेवा हम कर चुके हैं लेकिन अभी हम समाज सेवा भी करते हैं। हमारे माँ बाप या और कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई राजनीतिक आपको कहीं फोटो मिल जाएगी, लेकिन जो ये शहीद भगत सिंह वगैरह वगैरह जो सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे इनका कहीं नाम निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खुद उत्साह करने के लिए, लेकिन ये जो जिस कारण से हम राज ये बैठे हैं आज यहाँ आज़ादी का वो मना रहे हैं इन्हीं की बदौलत से, इनको याद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए हमारे को ये थोड़ा वो भरोसा होया, इस बच्चे ने कहा कि दादाजी ऐसे हो जाए चलो हम रखवाएंगे, फर्स्ट मूर्ति मैंने रखवाई थी कोई बात नहीं, उसके बाद में हर आदमी का ये हो गया कि एक मूर्ति मैं रखूँगा एक मूर्ति मैं ऐसे रखवाऊँ। तो जो अभी युवा पीढ़ी आ रही है उनको इनके बारे में कोई नहीं पता भाई, कोई कौन सुभाष चंद्र बोस था, क्या इसने किया, कौन चंद्रशेखर आजाद था, कौन भगत सिंह था, इनको नहीं पता कुछ भी, इनको तो बस सिर्फ अपना खुद का है। लेकिन जो 23 साल की उम्र के अंदर वो अपने फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है उससे बड़ा और क्या होगा, इसके सम्मान के लिए इनको वो किया। धन्यवाद। जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि इस गांव के अंदर क्योंकि शुरुआत तो जरूरी होती है और शुरुआत इस गांव ने की। जी नमस्कार, मैं सभी ग्रामवासियों सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने पूरे लोहारू हल्के में सभी ने सब कुछ बता दिया लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये भाई राजवीर फरटिया नहीं, ये अवतार राजवीर फरटिया है जो लोहारू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने आज तक इतने नेता चुने किसी ने आके ये नहीं पूछा, सब जेब भरने वाले नेता आए लेकिन भाई साहब ने कुछ बनने से पहले ही अपनी जेब को खोल के दान किया है। अगर जब हम इनको पावर दे देंगे आज हमारे जो मंत्री लगा लो MLA लगा लो जो भी जितने उन्होंने अभी तक जो किया है उन्होंने ये काम लोहारू को पेरिस बना देंगे, लेकिन जेब गर्म करने से पेरिस नहीं मरता, जेब नरम करने से पेरिस बनता है। तो मैं सभी लोहारू क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा
कि भाई राजवीर फटिया को भारी मतलब सहयोग दें और इनको अवतार माने, ना कि भाई। लोहारू हल्के के लिए एक अवतार पैदा हुए, जो इतना दान को कर सकता है तो शायद ही कोई मिले। आज तक हमने जितने MLA जितने MP जितने भी तैयार किए हैं, किसी भी गांव में जाके देख लो उसके दो चार बंदे ऐसे मिलेंगे। अगर जब मुझे काम पड़ गया तो पहले उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन राजवीर फटिया ऐसे हैं छोटा बच्चा भी बुलाएगा तो दौड़ के आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। मैं आज तक किसी राजनीतिक के साथ नहीं हुआ, लेकिन इनका हाव भाव देख के मेरे को ये लगा कि इतना ईमानदार इतना दानवीर अगर जो मतलब राजवीर फटिया है उसके साथ होके मैं पूरे हल्के हर गांव से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और बताने वाला ये काम करने की कहने की जरूरत है। मतलब आप घोषणाओं पर ना जाए, घोषणा हमारे हर MLA हर MP हर मतलब मुख्यमंत्री तक घोषणा कर चुके हैं कि भाई हम 600 बस हरियाणा के लिए देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और हमारे लोहारू हल्का में आज भी 10 बसें भाई राजवीर फटिया अवतार राजवीर फटिया की चल रही हैं। तो सबसे मैं ये कहूँगा कि एक मैं अपील और करूँगा गांव वालों से, हम अपना भाईचारा इलेक्शन के टाइम क्या करते हैं कि मैं BJP को वोट दे रहा हूँ तो वो कहेगा ये देगा तो मैं नहीं दूंगा। अरे इस गंदगी को निकालो, सोच अच्छी बदलो, जो हमारे हल्के का विकास करेगा उसके लिए अपना वोट तैयार करो। वोट ही एक ऐसी ताकत है जो ईमानदार आदमी को आगे ला सकती है, इससे ऊपर कोई ताकत नहीं है। इस मैल को खत्म करो कि ये देगा वो मैं वहाँ नहीं दूंगा, ये देगा मैं वहाँ नहीं दूंगा, नहीं सोच के ये कर्म को सलाम होनी चाहिए, कर्म को सलाम करो। और वोट ही ऐसी ताकत है जो पर्दे के अंदर ये सोच के डालो कि हमारे हल्के का विकास कौन करेगा। तो सभी लोहारू क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस बात को जरा ध्यान से सोचें कि भाई अपने कंपटीशन में अपना सिस्टम खराब नहीं करें, भाईचारा खराब नहीं करें। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गणतंत्र दिवस का अवसर था, हमारे गांव के सभी बूढ़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्तियों ने, सब ने अच्छा सहयोग किया और बढ़िया तरीके से इनको मैनेजमेंट किया। अच्छा सुना, बड़ी खुशी की लहर आज पूरे गाँव के अंदर कि हमारे गाँव के अंदर एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जो 75 फुट ऊंचा लंबा हमारे आन बान शान रूपी तिरंगा जो हमने फहराया, बड़ी खुशी है गांव के अंदर। आपके गांव के अंदर एक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, सारे गांव वाले सलाम कर रहे हैं इस व्यक्ति, कैसे गुण हैं इस व्यक्ति? हाँ, इसमें मैं अभी पहले इनको चेयरमैन साहब को कह चुका हूँ, राजवीर फटिया जी को, कि ऑर्डर दानी है, ऐसा दानी मैंने नहीं देखा अपने 62 साल की जीवन इवनिंग में, मैंने ऐसा दानी नहीं देखा। या तो सेठ साजूराम रहे थे, देखा नहीं हमने। हम आज हकीकत रूप से हमारे भी मौजूद हैं, एग्जिस्ट हैं, उनको देख रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस गांव के लिए दो बार आए ही है, और जहां तक मेरे को जानकारी है दो बार मैं इनकी यहां मीटिंग में ज्वाइन की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाली सरकार, क्या इसके ऊपर उतर पाई? सरकार तो काफ़ी हद तक प्रयास कर रही है, बट सरकार भी के प्रयास हैं, परंतु ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है, वो जो दूर दराज की लड़कियों की थी, वो समस्या इन्होंने हल की है। सरकार भी जैसे 15-20 किलोमीटर के दायरे में सरकार लड़कियों का गर्ल कॉलेज खोल रही है, महिला कॉलेज खोल रही है, सरकार भी प्रयासरत है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ अड़चने आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन की लड़कियों के लिए। जैसे कि शिवानी में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, वो ना तो शिवानी का है ना बड़ुए का है, वो बीच में है, तो बेटियों को बड़ी समस्या थी, 2.5-3 किलोमीटर। शिवानी की लड़कियों को भी समस्या थी, शिवानी की या दूर दराज से चल के आती थी ट्रांसपोर्टेशन की, पीछे से लड़कियाँ चढ़ के आती थी, उनको उतरने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, इतनी सवारियाँ होती थी, तो बड़ी मुश्किल थी। उस मुश्किल को सुलभ बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी फरिंटिया हैं, इसलिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद। तो साथियों, वीडियो के अंदर आपने निजी विचार सुने लोगों के, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 75 फुट लंबा जो तिरंगा फहराया गया है, मेरे हिसाब से लोहारू के अंदर आज कहीं नहीं फहराया होगा। नड़ोई गांव ने एक पूरे लोहारू के अंदर एक संदेश दे दिया है, और आज यहां की जो झलकियां होगी वो चंडीगढ़ में बैठे लोग भी देख रहे होंगे कि लोहारू के अंदर आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।